Assuming that the momentum of an electron is measured with complete accuracy, that is the corresponding uncertainty in its momentum being zero, what is the uncertainty in the simultaneously measured of the electron's position? Option given hai A zero, B unity, C infinitely large and D सम फाइनाइट वैल्यू बिकम यूनिटी एंड इन्फिनिटी। तो देखिए बच्चों, ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि ये बताता था कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन ग्रेटर आर इक्वल टू एच अपॉन, जहां पर डेल्टा एक्स होता था अनसर्टेनिटी इन द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल एंड डेल्टा पी होता था अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम। ठीक है, जब कोई स्मॉल पार्टिकल बहुत हाई वेलोसिटी ट्रेवल करता है तो उसकी अनसर्टेनिटी पोजीशन और मोमेंटम में ये रिलेशन बताया गया था। इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं बच्चों कि एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जिसका लीनियर मोमेंटम जो है, जो मोमेंटम है वो एक्यूरेट कैलकुलेट किया गया, ठीक है, वो क्या है, कंप्लीट एक्यूरेसी से मेजर किया गया, तो कंप्लीट एक्यूरेसी है उसमें। कंप्लीट एक्यूरेसी का मतलब क्या हो गया बच्चों, कि लीनियर मोमेंटम बिल्कुल सही है, मतलब इसमें जो कोई भी अनसर्टेनिटी नहीं है, तो ये उन्होंने दे दिया इसकी अनसर्टेनिटी क्या है, जीरो है। तुमसे कहने उस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन में कितनी अनसर्टेनिटी होगी, मतलब हमको डेल्टा एक्स निकालना है जबकि डेल्टा पी हमको जीरो दिया है, तो अगर हम इस फार्मूले का यूज करेंगे तो बच्चों क्या आएगा, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल जीरो बराबर इज ग्रेटर आर इक्वल टू एच अपान फोर पाई, जहां पर एच क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट। एच क्या होता है बच्चों, प्लैंक्स कांस्टेंट, है ना, और इसकी वैल्यू क्या होती है, 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल इंटू सेकेंड, ये इसकी वैल्यू होती है प्लैंक्स कांस्टेंट। खैर तो ये हो गया, तो बच्चों देखिए ये जब ऐसा है तो डेल्टा एक्स कितना आएगा बताओ, डेल्टा एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू एच अपान फोर पाई इंटू जीरो, और किसी भी चीज़ में अपान में जब जीरो आ जाता है तो वो चीज़ क्या हो जाती है बच्चों, इन्फिनिटी हो जाती है, मतलब ये ग्रेटर आर इक्वल टू होगा इन्फिनिटी के। इसका मतलब इस सिचुएशन में जो अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन हो इन्फिनिटी से बड़ी होगी या इन्फिनिटी के बराबर होगी, तो भाई इन्फिनिटी से बड़े का तो कोई मतलब नहीं होता, इसका मतलब डेल्टा एक्स क्या होगी बच्चों, इन्फिनिटी होगी, इन्फिनिटी का मतलब ये बहुत बड़ी होगी, तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन विल बी वेरी लार्ज एंड इट इज विद इक्वल टू इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी बराबर हो जाएगी। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों।